वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक ऐसा शब्द है जो कि बड़ा ही समझदारी वाला शब्द है और ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आता भी है। अंडरस्टैंडिंग कभी भी अगर कही जाए, अगर मान लीजिए कोई दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, विच मीन्स कि वो अगर कोई एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है तो वो उसकी बात को समझे और उसकी वो जिस डोमेन में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस व्यक्ति के लिए या किसी जगह के लिए या किसी किसी भी चीज के लिए अगर वो बात कर रहा है तो दूसरा बंदा जो समझे, और समझने के बाद अगर वो उसे रिस्पांस देना है तो रिस्पांस दे। अगर वो रिस्पांस लेने लायक, जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी से पूछूं, भाई मैं सलाह पूछूं कि भाई मुझे घूमने जाना है अगर मान लीजिए साउथ में, तो मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो ये मेरा एक ऐसे व्यक्ति को मैं सवाल पूछूंगा जो ऑलरेडी साउथ में घूम के आ चुका है, तो वो मुझे बता देगा कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो और हर एक जगह के साथ साथ मुझे ये भी बताएगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा, कौन सी जगह पे कौन सी क्विजिन मिलेगी या कहाँ पे कौन से जगह पे कौन सा एरिया मतलब घूमना चाहिए बेटर है। तो कहने का मतलब ये कि अंडरस्टैंडिंग को अगर हम ह्यूमन ब्रेन के नॉर्म्स में बात करें अगर, तो क्या है कि मैंने कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करी और मैंने वो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर दी और किसी के लिए क्या किसी एक रिप्रेजेंटेशन से किसी दूसरे रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी। और जो सेकेंड वाली रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म करी, वो क्या होना चाहिए, उसके पास अवेलेबल सेट ऑफ एक्शंस होने चाहिए जो कि परफॉर्म किए जाएं। जब मैपिंग हो जाएगी और हर एक इवेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएट एक्शंस को परफॉर्म कराना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास लगी है और मैंने किसी से कहा कि भाई मुझे एक ग्लास पानी लेके आइए मेरे लिए, तो वो मैंने ये बात बोली, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी से कि कोई व्यक्ति जो कि शायद पानी के पास खड़ा है, वो पानी भर के मेरे लिए एक ग्लास एक बॉटल पानी मेरे लिए लेके आ जाए। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने नॉलेज को, एक रिप्रेजेंटेशन जो था नॉलेज का, उसको ट्रांसफॉर्म करा दूसरे व्यक्ति के पास। अब जो दूसरा व्यक्ति जो है, जो कि दूसरा रिप्रेजेंटेशन लेके बैठा है, उसके पास सेट ऑफ एक्शन होंगे। वो मेरी बात सुन के क्या करेगा, खड़ा होगा, खड़ा होने के बाद जाएगा जिस जगह पे भी अगर आरओ लगा है कहीं, या कहीं कोई वेसल रखा हुआ है जिसके अंदर पानी है, या फ्रिज के पास जाएगा, वहां पानी है, वहां जाएगा, वहां से पानी भरेगा, ये सेकंड एक्शन होगा, और ये सेकंड एक्शन करके वो पानी मेरे पास लेके आएगा। अभी उसने अपनी जबान से कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसने अंडरस्टैंड करा चीज को, और अंडरस्टैंड करने के बाद वो क्या करा, उसने सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन था, जो मेरा वाला तो जो था वो फर्स्ट था, जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन था, मतलब मैंने कुछ बोला, दैट इज फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, जो उसने समझा, दैट इज सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। और इसके करस्पॉन्डिंग उसने क्या करा, जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन था, जो वो समझा, उससे वो पानी लेके आया। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से मैंने पानी पीने के लिए मंगाया और वो मेरे लिए बाथरूम से बाल्टी भर के ले आया कि आपने तो पानी बोला था, तो ये क्या हुआ, ये हम बोलेंगे कितने मूर्ख हो, तुमसे यहाँ पे हम बैठे तैयार थे, तुम्हें पीने का पानी मांगेंगे ना, तो बाल्टी भर के क्यों ले आया हमारे लिए। तो कहने का मतलब ये कि हर एक सेंटेंस में अगर किसी से कोई भी बात कर रहा हूं तो एक सेंटेंसेस के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, कई सारे एक्शंस हो सकते हैं, कई सारे इमोशंस हो सकते हैं, कई हैंड गेस्चर, या कई बार बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से भी क्या होती हैं कि हम मैप कर देते हैं अपनी नॉलेज को। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन होता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग सही कर पाए, उसकी समझ सही कर पाए उसको। अब मान लीजिए कि मैं अगर इस तरह से अगर चलूंगा, तो मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने एक स्टेटमेंट लेता हूं, आई नीड टू गो टू न्यूयॉर्क एज सून एज पॉसिबल, मुझे न्यूयॉर्क जाना है जल्दी से जल्दी। अब ये सिस्टम में देखिए, ये सेंटेंस जो है, इसको अगर एयरलाइंस के डेटाबेस के अंदर डालेंगे तो एयरलाइंस का डेटाबेस क्या अंडरस्टूड करेगा कि भैया इस व्यक्ति को न्यूयॉर्क जाना है सबसे पहली फ्लाइट से, तो सबसे पहली फ्लाइट जो उस टाइम पे अवेलेबल होगी वो मुझे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं मान लीजिए कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसको मैंने ये बात बोली कि मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, तो वो समझ जाएगा कि शायद मेरे घर वाले जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनके साथ शायद कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो मुझे इमोशनल सपोर्ट देगा, पूछेगा कि भाई क्या हो गया, तू इतनी जल्दी एकदम क्यों जाना चाहता है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों बातों में सेंटेंस सेम ही है, आई नीड टू गो टू न्यूयॉर्क एज सून एज पॉसिबल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखिए कि एयरलाइन वाले क्या कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, ये इमोशनल सपोर्ट दे रहा है मुझे। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रखने के लिए क्या करते हैं हम, कि भाई आप सक्सेस और फेलियर को नहीं देखते, मतलब आपको सक्सेस और फेलियर तो देखना ही देखना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है ना, वो रिले करता है कि उसका एब्सोल्यूट सेंस क्या बन रहा है। अब एब्सोल्यूट सेंस जो है उसका, वो देखेगा और उसके साथ जो पर्टिकुलर टास्क होंगे वो परफॉर्म करेगा। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है
जो प्रोग्राम उसको अंडरस्टूड करता है, और उसके अंडरस्टैंडिंग के बाद जिस डोमेन का वो टास्क लेता है या जिस डोमेन पे वो एक्शन करता है, ये कुछ इस तरह से होता है कि आपके अंडरस्टैंडर्स जो होते हैं, जो समझते हैं बात को, उनको कभी कभी हम विजन्स भी कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एआई पढ़ाया, और एआई के अंदर जो मुझे एआई मैंने सीखा था, जो मैंने अंडरस्टैंड किया था अपने गुरु से, वही मैंने आज आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। इसका मतलब ये कि अब मेरा विजन, मेरे गुरु ने जो पढ़ाया था, तो मेरा विजन कुछ और बना था, उस एआई से मैंने कुछ और फायदा निकाला था। आपने जो मुझसे पढ़ा उससे आप अलग विजन बनाओगे। मतलब क्या है कि आप नॉलेज लेते हो, अंडरस्टैंड करते हो, अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी अलग से जो थ्योरी लगाते हो, दैट इज विजन। अब यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की बात करें अगर हम, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो सीधे सीधे क्या करती है, अंडरस्टैंडिंग टू इम्पुट्स फ्रॉम ऑल द सेंसेस। मतलब ये कि मैं, अगर मुझसे कोई बात करता है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरी एक एक चीज उसकी एनालाइज करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज को देख के कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया भी था शुरुआत की क्लासेस में, शुरुआत की वीडियोस में, कि अगर कोई बोलता है आपसे रोको मत, जाने दो। अब इसमें देखिए, इसमें एक्सप्रेशन का खेल है, रोको मत जाने दो, विच मीन्स कि मैं चाह रहा हूँ कि रोको मत, कोई जा रहा है जाने दो से। या फिर बोलता हूँ रोको, अब मैंने जैसे ही हाथ हैंड गेस्चर करा ना, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, बात वही है, सेंटेंस एक है, लेकिन विजन के हिसाब से जब देखोगे तो उसके मतलब मायने अलग अलग है। अब ये तो मैंने क्या करा, ये तो मैंने सिंपल सा अपना एग्जांपल दे दिया कि मैंने आपसे बोला रोको मत जाने दो, या फिर रोको मत जाने दो। लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग जो होती है, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है इमेज, दूसरा होता है स्पीच, और अगला होता है टेक्स्ट। जिस तरह का टेक्स्ट लिखा होगा उसको हम एनालाइज करते हैं, जिस तरह की इमेज होती है उसको एनालाइज करते हैं, और जिस तरह की स्पीच होती है। जैसे अगर कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट अगर आप देखेंगे, जो इंटरनेट पे कई बार क्या होता है कि कई सारी वेबसाइट जो होती है वो बहुत जो खराब कंटेंट होते हैं उनको क्या कर देती है, उन इमेजेस को क्या कर देती है, जैसे ब्लर कर देते हैं, या फिर उसको खराब कर देते हैं, या उसको इस टाइप के जो कंटेंट होते हैं उसको इनअप्रोप्रिएट बोल के उसको हटा देते हैं। जहाँ अगर आप कोई पिक अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कोई उल्टी सीधी पिक होगी तो वो अपना भी हट जाएगी। वैसे स्पीच, स्पीच के अंदर भी क्या होता है कि जैसे हेट स्पीच, जिस हेट स्पीच से कोई समुदाय को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई हानि पहुंचे, तो ऑटोमेटिकली आप देख लेना इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर वो डिलीट मार देता है, क्योंकि उसके पास है वो अंडरस्टैंडिंग कि आपके कमेंट को वो समझ पाए कि आपने किस लिए लिखा है, और किस, मतलब ठीक है, हल्का फुल्का मजाक आपने किसी व्यक्ति के लिए करा तो वो समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक बहुत बड़े समुदाय पे, या किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति विशेष पे, या कोई बहुत बड़े नॉन पर्सन पे आपने कुछ लिखा है, तो उसको हेट स्पीच में काउंट किया जाता है और उसको हटा दिया जाता है। तो ये होता है अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर्स के अंदर भी आप जो, आप आजकल जो इतने बड़े बड़े कंपनीज हैं, जायंट्स हैं, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं कि उस एआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप अगर सर्च करते हैं अगर इंस्टाग्राम पे कुछ, तो जिस तरह से आप सर्च करते हैं, अगर आप बहुत अच्छे फूड ब्लॉगर हैं या फूडी हैं, तो आप सर्च का बटन क्लिक करेंगे तो आपको फूडी फूड का दिखाएगा, वहां पे एआई लग रही है। वो तो पूरी डेटा साइंस से पूरी की पूरी कहानी वही है कि भाई तुम पहली बार इंस्टॉल करोगे इंस्टाग्राम, जो जो तुम सर्च करोगे, जो जो तुम चीजें देखोगे, वही वही हम तुम्हें दिखाएंगे। अब बारी आती है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की और लैंग्वेज जनरेशन की। अब कई बार ऐसा बोला जाता है कि, कई बार ऐसा क्लेम किया जाता है कि लैंग्वेज जनरेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इनवर्स है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का। मतलब लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और लैंग्वेज जनरेशन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। और ये ट्रू है, ये दोनों प्रोसेस के लिए ट्रू है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और इसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन हम इसमें क्लेम करते हैं कि ये कुछ एग्जैक्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ठीक है हम इसको मान के चलते हैं कि ऐसा है। तो जनरेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, ये थोड़ा सा मुश्किल है, जनरेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज मुश्किल है, और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से जनरेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज तो काफी मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, क्योंकि इट इज ऐसा है कि सिस्टम जो है वो डिसाइड ही नहीं करता सिर्फ, लेकिन जिस तरह से अटरेंस हुआ, मतलब जिस तरह से बोला गया है, उसको भी स्टेट करता है। नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज में जब भी आप कोई बात करते हो, जनरेट करते हो, तो आपकी बात का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपने बात बोली, जनरेट करी तो अंडरस्टैंड हो गया। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकलता है, जैसे सरकाज्म जिसे हम कहते हैं। अब सरकास्टिकली अगर मैं आपको कमेंट करूं कि आप जैसे कॉलेज बहुत दिनों बाद पहुंचे, तो मैं आपसे बोलूं वाह आ गए, और ऐसा करके कुछ बोलूं या उस टाइप का कोई कमेंट बोलूं, तो आपको ऐसा 100% शोरूम है कि कोई बच्चा ये नहीं कहेगा क्या भाई सर तारीफ कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे सर ने किसी सरकाज्म का इस्तेमाल करा है। तो लैंग्वेज जनरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडरस्टैंडिंग,
ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक बात है कि जिस तरह से वो वर्ड अटर किया गया है उसको हम ध्यान में रखें। अब जहां पे जो जनरेशन सिस्टम है ये डिसाइड करता है कि वो किस फॉर्म में है, मतलब वो एक्टिव फॉर्म में है चाहे पैसिव फॉर्म में है, कौन से वर्ड यूज करे, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करा जो कि उसको सबसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस करे इंटेंट को। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मैं किसी बच्चे को थोड़ा सा डांटना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसी वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं बड़ा शरीफाना वर्ड यूज करूंगा और उसको सरकास्टिकली लगेगा भी बुरा और वो अगले दिन से कॉलेज आना चालू हो जाएगा। भाई आप कॉलेज इतने दिनों बाद आए, घर वो गाड़ी भिजवा दें, तो ये बात बोली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही में कोई गाड़ी हायर करके उसके घर भिजवाने वाला हूँ। ये मतलब ये है कि भाई वो समझ गया मेरे एक्सप्रेशन से कि यहाँ पे सर कहना चाह रहा है कि भाई तुम आ क्यों नहीं रहे, तुम्हारी गाड़ी या बग्गी भिजवा दें। तो कहने का मतलब ये कि इंटेंट जो था मुझे वो पहुंचाना था, चाहे वो सरकास्टिकली। अब होता क्या है कि ह्यूमंस तो पहुंचा देते हैं भाई, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो उम्र में, जैसे आपकी उम्र 13-14 साल से ऊपर जाती है तो आप ऑटोमेटिकली स्कूल में टीचर्स का सरकाज़म समझ जाते हो, घर में पेरेंट्स का सरकाज़म समझ जाते हो, और 21-22 साल की उम्र में आते आते आप काफ़ी हद तक तकरीबन सभी को समझ जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुपके से मजाक करते हैं और हंसते नहीं हैं, वो आप समझ जाते हो कि आपका मजाक उड़ा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये इंटेंट जो है, ये एक्टिव पैसिव हो सकता है, और इसमें बॉडी लैंग्वेज का काफी रोल है। ये मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन ब्रेन की। अब बारी आती है क्या है कि कंप्यूटर विजन की। अब कंप्यूटर विजन के अंदर भी आपको जब टेक्स्ट दिया जाएगा तो कंप्यूटर को दिया जाएगा तो कंप्यूटर को अंदाजा होना चाहिए कि ये सेंटेंस का मायने क्या है, और अगर उसमें मान लीजिए सही डोमेन को अपने सही रेंज से मुला दिया तो समझिए आपका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ना वो बड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ और बहुत ही अच्छा सिस्टम बन जाएगा। और हम पहले दिन से आज तक जो करते आ रहे हैं वो यही करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ चाहते हैं कि वो जो इंटेलिजेंस है वो हमारी मशीन के अंदर चली जाए। और दूसरा एक और चीज चाहते हैं हम कि इंटेलिजेंस के साथ साथ जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की चालाकियां हैं वो भी चले जाए। सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं कि आपने सिर्फ एक C++ का प्रोग्राम जो है आपने लिख दिया तो कंप्यूटर भी लिख दे, या चेस आपने खेल लिया तो कंप्यूटर भी खेल ले, ये नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है, पूरा पूरा डिपिक्शन करना है हमें, पूरा पूरा डिपिक्शन, मतलब वो सरकाज़म, वो बात करने की स्टाइल, वो इमोशंस, वो बॉडी लैंग्वेज, वो एक्सप्रेशन। हम चाहते हैं कि हमारा जो रोबोट है उसके अंदर हम ये इंप्लीमेंट करें, रोबोट करे ये काम। सिर्फ रोबोट ऐसा ना हो कि हमारे लिए पानी भर के ला रहा हो, या हमारे लिए खाना बना रहा हो, या हमारे लिए सफाइयां कर रहा हो, उसके लिए तो हमारे पास मशीन ऑलरेडी थी पहले से। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ चले, और हमारे साथ मतलब ऐसा हो कि कभी किसी जगह पे अगर हम मौजूद ना हो और हम इसको अपनी जगह पे भेज दें, हमारी तबीयत खराब इसको भेज दें, तो ये पूरा वही काम करे जो हम करके आ रहे थे, या हम जो करते हैं वहाँ पे हमारे बिहाफ में जो ये कर सकता है वो सब करके दिखाए। हम तो इस फिराक में हैं। तो यहाँ पे अब मैं फिर से बोलूँगा कि कौन सा एक्सप्रेशन किस तरह से बोला गया है, और उसके अंदर सब बहुत ज़्यादा रीजनिंग की ज़रूरत भी होती है, और इसमें सिंटेक्स, सेमांटिक्स और डिस्कोर्स, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और यकीनन हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में NLP पढ़ेंगे तो देखेंगे भी कि किस तरह से बोला जाता है। अब एक जनरल टर्म की बात करें अगर, तो जनरली क्या होता है कि इसमें कोहरेंस मिलता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल अगर गोल है तो आपको एक कोहरेंट प्लान बनाना पड़ेगा हर एक गोल के लिए। और इसमें क्या है कि बड़ी सोफिस्टिकेशन की बात होती है, यहाँ पे सोफिस्टिकेशन से डील करना होता है आपको यहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि सिंपलेस्ट जो टाइप ऑफ अटरेंस होता है, मतलब वर्ड्स को सिंपली तरीके से जितना बोला जा सके, और उनके शेड्स क्या हो सकते हैं, उनके मीनिंग क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रोको मत जाने दो, अब ये कितनी डिजाइन में बोला जा सकता है, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको आप अलग 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 डिजाइन में 2500 तरह से बोल सकते हो। जैसे वाओ, अब मैं किसी को वाओ बोलूंगा तो देखते बोलूंगा कोई अच्छी चीज को वाओ, या फिर किसी ने कोई ऐसी गलत काम करा तो मैं कहूँगा वाह, उसको ताली बजाऊंगा, वाह महान है आप, तो वो एक्चुअली महान नहीं है, मैं उसको मजाक उड़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक वर्ड का हर एक सिमेंटिकली मतलब अलग अलग हो सकता है उसके इमोशंस के साथ साथ, और वो अलग अलग शेड जो है वो अलग अलग चीजें डिफाइन कर रहे हैं जिसके लिए अलग अलग सेट ऑफ एक्शंस हैं। अब एक पार्टिसिपेंट की बात करते हैं किसी एक डायलॉग के अंदर। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने कुछ बोला और किसी बच्चे ने वो सुना, तो अंडरस्टैंडिंग किसकी टेस्ट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग उसकी टेस्ट हो रही है, मेरी नहीं। मैंने तो बोल दिया, मैंने तो अपना मतलब डोमेन वन जो है उसने बोला डोमेन टू के लिए, और डोमेन टू जो है उसको सुन रहा है, उसको बोलेंगे हियरर, जो सुनता है उसको हियरर बोलेंगे। तो यहाँ पे हियरर की अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी नॉलेज और उसकी गोल सेट पर डिफाइंड होती है। और किसी भी एक डायलॉग के अंदर हमें यहाँ पे सिस्टम जो होता है हमारा वो प्रॉपर मेंटेन करता है, फोकस करता है कि हम फॉर्मुलेट कर पाए एक्सप्रेशन को, आइदर वो क्वेरी है या एक्सप्लेनेशन है या कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या कोई लीड है या कोई फॉलो है, किसी भी चीज का मतलब पुराने कोई चीज का फॉलो है,
जैसे मैंने किसी बच्चे से कोई टॉपिक डिस्कस किया, कुछ बात करी, और उसके बाद वो नेक्स्ट डे आया तो मैंने कहा था क्यों कल जो मैंने तुम्हें बताया था तुमने कर लिया, तो इसका मतलब ये कि मैं कल वाली बात दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि हाँ सर ने कल कहाँ तक पढ़ाया था, वो जो सर ने होमवर्क दिया था मुझे या घर पे करने को दिया था तो मैंने उसको बैठ के कर लिया, तो मुझसे वहीं से कंटिन्यू करेगा का बात। ये नहीं बोलेगा सर क्या बोल रहा हो कल, कल का क्या फिर से बताइए सर मैं तो भूल गया, ऐसा तो नहीं करेगा वो। ऐसा करेगा तो अगेन वही हम इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं हम बेवकूफ सिस्टम बना रहे हैं। नहीं, हमारा सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए जो कि हर चीज को समझ पाए। आप किसी भी अपने दोस्त से जब बात करते हो तो या तो उससे उसकी बात सुन के हाँ में हाँ मिला देते हो, हूँ करके आगे बढ़ जाते हो, या फिर क्या करते हो कोई क्वेरी जनरेट करते हो, मतलब उसकी बात अगर आपको कोई समझ में नहीं आई, कुछ पल्ले नहीं पड़ी, या पूरी बात पल्ले नहीं पड़ी, या आधी भी पल्ले नहीं पड़ी, या थोड़ी एक आध पॉइंट भी पल्ले नहीं पड़ा, तो आप उससे क्या करते हो क्वेरी पूछते हो, या फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हो। अगर उसने कोई ऐसी बात बोली जो कि क्वेश्चन टाइप की है तो आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि नहीं भाई इसको ऐसा नहीं ऐसा करते हैं, या फिर अगर आपसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बोले कि जाना पानी लेके आना तो आप खड़े होते हो डायरेक्ट पानी लेने जाले जाते हो उसके लिए, या फिर आपके दोस्त ने बात करी और कहा कि एक मिनट आना मेरे पीछे तो आप सीधे सीधे उसको फॉलो करने लगे, उसने लीड दी आपको और आप फॉलो करने लगे। ठीक है, तो ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग के बारे में सारी बातें हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास जो कॉन्टेंट है वो ये है कि आप सिर्फ इतना जान लें कि अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है वो, कि एक बेस से दूसरे बेस तक जाना और दूसरा वाला जो बेस है उस वो समझे उसको। मैंने तो बोल दिया रोको मत जाने दो, अब आप समझो कि मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि रोको मत जाने दो या फिर रोको मत जाने दो, ये आप समझो। अब आप मेरे एक्सप्रेशन को पढ़ो, मैंने तो लिख के दे दिया खत्म, कॉमा किधर लगाया वो आप समझिए, एक्सप्रेशन क्या है इमोशन क्या है आप समझिए, सरकास्टिकली मैंने आपको बोल दिया आपका मजाक उड़ा दिया, लेकिन अब आप समझो कि आपको मजाक उड़ा है कि नहीं उड़ा। अब उस मजाक पर आपको रिप्लाई क्या देना है, सरकाज़म से ही देना है या फिर चुपचाप बैठ जाना है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मेरे हाथ में आपके मार्क्स होंगे आप चुप करके बैठ जाओगे, लेकिन आप अगर मेरे वहीं दोस्त होगे तो आप क्या करोगे सरकाज़म का जवाब सरकाज़म से दोगे, दैट इज अगेन लेवल टू अंडरस्टैंडिंग का। फिर उसको मैं समझ जाऊँ भाई मैंने कुछ बोला आपने उसको समझा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल वन। फिर आपने उसके लिए जवाब तैयार करा, फिल्टर तैयार करा और मुझे वापस दिया, रिवर्ट बैक करा, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल टू। मैं भी समझ गया उस चीज को, क्या यार ये तो मेरी उसने उल्टी चोट कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बेसिकली हम, ये तो ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी थी, हमें कंप्यूटर विजन के अंदर भी ये लेके आना। और जो होता है आजकल आप देखेंगे कि कहीं भी अगर किसी भी बड़े महान व्यक्ति के लिए आप कुछ उल्टा सीधा अगर कोई कमेंट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक डिलीट कर देगा, उन्हें मालूम है। ट्विटर आप डिलीट कर देता है कमेंट, क्यों कर देता है, उसे मालूम है कि यहाँ पे ये कंटेंट किसी समुदाय को या किसी को व्यक्ति विशेष को बुरा लग सकता है या फिर हमारे सरकार को बुरा लग सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये था कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग जो कि कंप्यूटर विजन के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच।